all minds are linked with a super conscious mind. जितने minds हैं किसी एक energy से linked हैं. इसके बहुत सारे practicals हैं कि सारी languages हमारा mind समझता है. वो कैसे समझता है कि किसी और ने जो thinking speed करी हुई है वो. कभी चांस मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा या कोई स्टेज शो करूंगा तो उसके क्लिप्स आपको भेजूंगा. कोई कुछ भी पढ़ रहा है आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो ये पढ़ रहा है. लिंकेज. आप कोई थॉट्स भेज रहे हैं किसी और पे जा रहे हैं. आप कोई हीलिंग कर रहे हैं कोई और ठीक हो रहा है. ये सब इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. हम सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे तो दूसरों को भी थॉट्स दूसरों के लिए जैसा सोचेंगे तो वो थॉट्स उन तक पहुंचेंगे इस स्टेटमेंट इस थ्योरी के द्वारा. किसी में कोई नेचर में चेंज लाना है किसी को अट्रैक्ट करना है किसी को अपने बिजनेस के लिए समझाना है तो पहले से समझा के जाएंगे. तो कुछ बुक्स आप परचेज कीजिए स्पेशली सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड्स की. सिल्वर माइंड कंट्रोल्स मेथड सिल्वर माइंड कंट्रोल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट सिल्वर माइंड कंट्रोल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ सिल्वा की पूरी सीरीज परचेज कीजिए और उसे समझिए कैसे बिजनेस में अप्लाई करना है. हम कोई भी मीटिंग पहले से सोच के जाएंगे पूरा सेल्फ हिप्नोटाइज्ड होके उसको पूरा सोचेंगे कि ये चीज ऐसी ऐसी होगी और वो वैसी ही होगी क्योंकि सारे माइंड एक दूसरे से लिंक्ड है. आपने पहले से उनके माइंड में फीड कर दिया. स्पिरिचुअल ग्रोथ के कोर्स चैप्टर तो कुछ हम भी चलाएंगे साइकिक पावर्स में. तो स्पिरिट्स क्या होती है सोल क्या होती है कैसे उनकी क्या उसकी सोच आज भी जिंदा है क्या उनकी सोच हमको इफेक्ट करती है नेगेटिव एंटिटीज क्या होती हैं क्या वो हमें परेशान कर सकती हैं ये सब हम साइकिक चैप्टर में चलाएंगे. तो हम जब सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं तो दूसरों के माइंड को चेंज कर सकते हैं. किसी के नेचर को किसी के हेल्थ हम चेंज कर सकते हैं. साइकिक हीलिंग के चैप्टर में सिखाएंगे कि हम कुछ सोचेंगे और वो ठीक होता चला जाएगा. मैंने रीजनरेशन होते हुए देखी है बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दूंगा कि वो पार्ट बॉडी में नहीं था और हम सोचते चले गए और वो पार्ट डेवलप हो गया. मैं पहले इस साइंस को नहीं मानता था लेकिन जब प्रैक्टिकल सीखे टेस्टिमोनियल सीखे तब ये बिलीव हो गया कि हम रीजनरेशन भी कर सकते हैं सोच के द्वारा. एक हमको जख्म हो जाता है कट आ जाता है तो स्किन बन जाती नहीं बन जाती है. अगर रीजनरेशन की थ्योरी नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर तो क्या बन सकती थी नहीं बन सकती थी. बोन में गैप पड़ जाता है वो बोन का गैप कवर हो जाता है. सारे पार्ट्स बन सकते हैं जरूरत है तो बिलीफ की विश्वास की. छोटे छोटे प्रैक्टिकल से स्टार्ट कीजिए जैसे जैसे बिलीफ बढ़ता चला जाए वैसे वैसे बड़े बड़े काम भी लेते रहिए. तो इस स्टेटमेंट को प्रूव बहुत सारी चीजें करेंगी. ये स्टेटमेंट अपने माइंड में डाल दीजिए. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर मैं उसको बताए बिना कैसे सिगरेट छुड़ा सकती हूँ मैं उसको बताए बिना एल्कोहल कैसे छुड़ा सकती हूँ मैं उसको बताए बिना नेचर कैसे चेंज कर सकती हूँ मैं उसको बताए बिना उसके थॉट्स कैसे चेंज कर सकती हूँ. बाय सेल्फ हिप्नोसिस अपनी सोच को बदलकर अपने सजेशंस को बदलकर अपने वर्ड्स को बदलकर हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं. थैंक यू.